गुड मॉर्निंग क्लास, बी ए पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, भारतीय राजनीतिक विचारक, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत चैप्टर हमारा मनु चल रहा था। आज के लेक्चर का टॉपिक है मनु के न्याय संबंधी विचार। मनुस्मृति में न्याय, न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था का विधिवत, व्यवस्थित और विस्तृत विवेचन किया गया है। समस्त व्यवस्था में न्याय का महत्व सर्वोपरि माना है। मनु के अनुसार शासन के अस्तित्व का अंतिम प्रयोजन है समस्त जीवन से बुराई का प्रतिकार और सद्गुण की प्रतिष्ठा करना, यानी प्रजा में अच्छे गुणों का विकास करना। और यह कार्य तभी संभव है जब एक उचित न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था हो। जब शासक अपने दायित्वों का निर्वहन न्यायपूर्ण ढंग से दंड की व्यवस्था लागू कर करता है, तभी वह प्रजा के जीवन की रक्षा कर सकता है और तभी राज्य में शांति और व्यवस्था कायम रख सकता है। मनु ने राजा के न्यायपूर्ण आचरण पर बल दिया है। न्याय के प्रसंग में मनु सर्वोच्च महत्व न्याय की निष्पक्षता को प्रदान करते हैं। मनु का मत है कि राजशक्ति का औचित्य तभी है जब उसका पालन निष्पक्ष रीति से हो। भारतीय जीवन और दर्शन परंपरा में यमराज को निष्पक्षता पूर्वक सभी प्राणियों के प्रति समान व्यवहार के लिए जाना जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, सभी व्यक्तियों के साथ उनके कर्मों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, ऐसा माना जाता है। यमराज किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसी आधार पर मनु का कथन है कि शासक के द्वारा यमराज के समान अपने आप को राग और द्वेष, क्रोध और मोह से परे रखते हुए तथा प्रिय और अप्रिय के अंतर का पूर्णतया त्याग करके आचरण किया जाना चाहिए। यानी कि राजा बिल्कुल पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं हो। मनु के अनुसार दंड का यथायोग्य प्रयोग करता हुआ शासक त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम से युक्त होता है तथा इसके विपरीत विषयाभिलाषी, क्रोधी तथा बिना विचार किए दंड का प्रयोग करने वाला शासक दंड के ही द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और इसलिए मनु शासक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, ऐसा शासक जो निरपराधी को दंड देता है और दंड देने योग्य व्यक्ति को छोड़ देता है, वह अयश का भागी होता है तथा नरक को जाता है। यानी किसी भी स्थिति में निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए और जो जिसने जिस प्रकार का अपराध किया है उसके अनुसार ही पूर्ण न्याय होना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। तभी परिस्थितियों में निष्पक्षता पूर्वक न्याय कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है और शासक ऐसा तभी संपन्न कर पाता है जब शासक धर्म, अर्थ और काम के मर्म को समझने वाला हो, सत्यनिष्ठ हो, प्रजा के प्रति, राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान हो तथा उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता से युक्त हो, ऐसा मनु का मानना है। मनु ने न्यायिक कार्य में शासक को धर्म से शासित होने का परामर्श दिया है और धर्म के सार्वभौमिक लक्षणों के अतिरिक्त न्यायिक कार्य में समाज की मान्य परंपराओं एवं अभिसमयों आदि को भी महत्व प्रदान किया गया है। अब देखते हैं न्यायपालिका का गठन या न्यायालयों की रचना। न्यायिक व्यवस्था के समस्त संगठन में राजा को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है, परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि अकेले राजा के लिए सभी न्यायिक कार्यों का निष्पादन संभव नहीं हो सकता। अतः मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजा के द्वारा
न्यायिक कार्यों का संपादन एक न्याय सभा के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें राजा ऐसे ब्राह्मणों और पार्षदों के साथ बैठे जो विधि के ज्ञान में पारंगत हो और न्यायिक शक्ति के प्रयोग हेतु पूर्ण रूप से निष्पक्ष परामर्श दे सकें। मनु के अनुसार न्याय सभा में सामान्यतया एक मुख्य न्यायाधीश, राजा या राजा की अनुपस्थिति में विधि मर्मज्ञ सद्गुणी ब्राह्मण तथा तीन अन्य न्यायाधीश होंगे। विद्वान न्यायाधीशों के द्वारा भी न्याय प्रदान करने का यह कार्य कम से कम तीन व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से न्याय सभा की अध्यक्षता राजा ही करेगा। राजा को न्याय सभा में प्रमुख स्थिति प्राप्त है, परंतु वास्तव में शक्ति की दृष्टि से न्याय सभा के अन्य सदस्यों के समान वह भी एक सदस्य ही है। मनु ने न्यायाधीशों की निष्ठा, बौद्धिक क्षमता, कार्यकुशलता और चारित्रिक उत्कृष्टता पर विशेष बल दिया है। इस संबंध में मनु ने प्रतिपादित किया है कि न्याय सभा के सदस्यों को विधि और राष्ट्र में प्रचलित परंपराओं व रूढ़ियों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हो जो बाहरी चिन्हों, स्वर, वर्ण, संकेत और चेष्टाओं से मनुष्य के आंतरिक भावों को जान सकें, यानी कि व्यक्ति की मनस्थिति को समुचित रूप से पढ़ सके। मनु का निर्देश है कि न्याय सभा में सामान्यतया तो शास्त्रों को सम्यक रूप से समझने वाले ब्राह्मणों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, परंतु यदि ऐसा योग्य ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो क्षत्रिय या वैश्य की न्यायिक पद पर नियुक्ति की जा सकती है। परंतु मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी स्थिति में शूद्र को न्याय सभा में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो वह राज्य अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। मनु इस बात पर बल देते हैं कि न्याय सभा में सदस्यों की नियुक्ति कर देने से ही राजा का न्यायिक दायित्व तो पूरा नहीं हो जाता। राजा का दायित्व है कि उसके द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ करें, इस बात का राजा को पूरा ध्यान रखना है। इस प्रकार मनुस्मृति में न्याय को एक संस्थागत प्रक्रिया और न्यायिक शक्ति को एक संस्थागत शक्ति माना गया है, जिसका उपयोग सभा के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से ही किया जा सकता है। अब देखते हैं विवादों के प्रकार या विभिन्न प्रकार के विवाद। मनु ने समस्त विवादों को प्रथमतः दो श्रेणियों में विभक्त किया है। पहले वे विवाद जिनमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय पर हिंसा का अभियोग हो, न्यायालय के आपराधिक क्षेत्राधिकार के अधीन माने जाएंगे। दूसरे वे विवाद जो भूमि या धन के लेन देन से संबंधित है, दीवानी विवाद की श्रेणी में आते हैं। आगे चलकर मनु ने समस्त विवादों को पृथक पृथक विषय वस्तु से संबद्ध होने के आधार पर 18 श्रेणियों में विभक्त किया है। विवादों की ये श्रेणियां इस प्रकार है: ऋण लेना, धरोहर रखना, किसी वस्तु का या भूमि का स्वामी न होने पर भी विक्रय कर देना, अनेक व्यक्तियों आदि का मिलकर व्यापार आदि करना, यानी वाणिज्य या व्यवसाय में साझेदारी। अगला है दान आदि में दी गई संपत्ति अथवा वस्तु को क्रोध, लोभ या अपात्रता के कारण वापस ले लेना।
कार्मिक का वेतन या श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान न करना, पूर्व निर्णित व्यवस्था या संधि पत्र आदि को न मानना, यानी संविदा का उल्लंघन, क्रय विक्रय में विवाद उपस्थित होना, स्वामी तथा पालक में विवाद होना, सीमा से संबंधित विवाद, दंड पारुण्य अथवा शरीर पर भौतिक हमले से संबंधित विवाद, वाक पारुण्य यानी गाली गलौज अथवा अपशब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति पर आक्रमण, चोरी करना, डाका तथा बलपूर्वक संपत्ति को आघात पहुंचाने वाले अन्य अपराध। अगला है स्त्रियों के पर पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध, स्त्री पुरुषों के आपसी दायित्वों से संबंधित विवाद, यानी स्त्री पुरुष का धर्म। नेक्स्ट है धन संपत्ति या भूमि आदि का बंटवारा, जो पैतृक संपत्ति या भूमि का बंटवारा है उससे संबंधित विवाद, जुआ खेलना अथवा धन आदि का दांव लगाकर पशु पक्षी को लड़ाना आदि क्रियाएं। मनुस्मृति के संपूर्ण 9वें अध्याय में इन 18 अपराधों के विस्तृत न्यायिक निर्णयों के बारे में लिखा गया है। मनु ने यह स्पष्ट किया है कि पृथक पृथक प्रकार के वादों पर न्यायालयों को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग तथा आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रक्रिया को अपनाकर विचार करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के विषय में मनु के विचार इस प्रकार है कि न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मनु अनाथ या अवयस्क व्यक्ति के हितों की रक्षा का दायित्व राज्य को सौंपते हैं। मनु इस बात पर बल देते हैं कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उस व्यक्ति को अपने बचाव का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रमाणों और विशेष रूप से साक्षी का पर्याप्त विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में प्रमाणों को दो भागों में बांटा गया है, मानुष प्रमाण व दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, युक्ति और साक्षी। दिव्य प्रमाणों का प्रयोग उस परिस्थिति या दशा में किया जाना ठीक समझा जाता है जब मानुष प्रमाणों का अभाव हो। मनु के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, परंतु जबरदस्ती या बलात् लिखाए गए लेखों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। आंख से देखने और कान से सुनी बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी पतित नहीं होता है, अतः ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय माना जाना चाहिए। साक्षी केवल उन्हीं व्यक्तियों को बनाया जाना चाहिए जो चारित्रिक दृष्टि से उच्च कोटि के हों और जहाँ घटना घटित होती है उस स्थान के हों। साक्षी को देश धर्म, जाति धर्म, श्रेणी धर्म, गण धर्म और कुल धर्म आदि का ज्ञान होना चाहिए। लोभ और लालच से रहित होना चाहिए। मनु के अनुसार न्याय करते समय व्यक्ति की परिस्थितियों, समय, स्थान, वर्ण आदि का भी पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी भी अपराध का निर्णय करने से पहले ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपराधी ने अपराध किस परिस्थिति में किया है, क्यों किया है। झूठा साक्ष्य देने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। स्त्रियों के लिए स्त्रियों का साक्ष्य लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही
ब्राह्मण की साक्षी एक विशेषज्ञ के रूप में लेकर उसको सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मनु ने यह भी कहा है कि असत्य बोलने वाले सेवक, शत्रु, सन्यासी और कोढ़ी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार मनु ने न्यायिक व्यवस्था के विविध पक्षों का अत्यंत विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है और न्याय करने से पूर्व बहुत ही बारीकी से जांच की जानी चाहिए ताकि न्याय में किसी भी तरह की कमी न रहे। मनु न्यायाधीश से अपेक्षा करते हैं कि साक्षियों के प्रति न्यायालयों में सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। मनु साक्षियों पर किसी भी प्रकार के दबाव का निषेध करते हैं और यह न्यायाधीशों का दायित्व है कि वे इस तरह का वातावरण निर्मित करें जिससे साक्षीदाता बिना किसी दबाव और भय के साक्षी दे सके। तो मनु ने माना है कि हर परिस्थिति में न्याय बना रहना चाहिए। जो व्यक्ति न्याय को समाप्त करता है वह भगवान के प्रति विद्रोह करता है। सिर्फ न्याय ही आदमी का मृत्यु पर्यंत साथ देता है, अन्य वस्तुएं तो मृत्यु के साथ ही साथ छोड़ देती है। तो इस प्रकार न्यायिक व्यवस्था के विविध पक्षों का विस्तृत विवेचन मनु ने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।